हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मुझे उम्मीद है क्वेश्चन मंगल होंगे। ओके, और बहुत पूरा ध्यान दोगे। मेरा नाम है सूरजमल, मैं चैप्टर कराने जा रहा हूँ 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले वाले भी लेक्चर में मैं 4.1 कंप्लीट करा चुका हूँ और फॉर्मूले बता चुका हूँ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पूरी जानकारी दे चुका हूँ। ठीक है, पूरी तरह अच्छी तरह अपना पूरा फोकस करेगा, एक ही चीज समझेंगे। आगे जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 4.2, इसको फैक्टर मेथड द्वारा एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा बीटा दो रूट्स होते हैं, होते हैं टू रूट्स अल्फा एंड बीटा, उसको फैक्टर द्वारा आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में करता हूँ, इस पूरा ध्यान दीजिए यहाँ पर। ठीक, बेसिक चीज इसके बारे में बता चुका हूँ, क्लियर एकदम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइज मेथड। क्या है फैक्टराइज मेथड? फैक्टराइज मेथड, ठीक है बच्चों, कौन सा मेथड है? फैक्टराइज करके निकालना है, फाइंड रूट्स बाय फैक्टराइज मेथड। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इजिकल टू क्या है? 0। ये इक्वल टू 0 भी है, 0 हो तो एक्स की वैल्यू निकलेगी, क्या निकलेगी? टू रूट्स निकलेंगे। कितने? टू रूट्स। तो पावर कितनी है? टू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, जहां पावर टू होती है, डिग्री टू, तो वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसके अल्फा बीटा दो रूट्स निकलेंगे, तो देखिए 10 के क्या फैक्टर करेंगे? 3 आ जाए, तो माइनस साइन है इसका, माइनस साइन, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों होंगे, तो इसका क्या होगा? 5 × 2। क्लियर? ये किसका साइन है? ये तो बड़ा साइन ये आएगा, छोटा प्लस का आएगा, ये क्लियर। चलिए तो देखो, -5 + 3 कितना आएगा? -3 आया नहीं आया? ऐसे -3 आ गया, तो पहले क्या रखेंगे हम? -5 + 2x - 10 = 0। समझ आ गई ना? होगी भाई, 5 × 2 = 10 हो गए, और माइनस करने पर 3 आ गया, आगे ना आ गया, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? एक्स एक्स माइनस क्या आएगा? 5। क्लियर होगा? 5 इसमें क्या आएगा? 2। 2 का डिवाइड करो कितना आएगा? 2। 5 कितना आएगा यहाँ पर? एक्स इजिकल टू क्या? 0। अब x - 5 x + 2 कितना आया? 0। तो एक बार तो इस ब्रैकेट में ले लेंगे हम, ऐसे एक बार इसको ले लेंगे हम। क्लियर हो गया? कितना आएगा घट करके? 5 कितना आएगा? -2, तो टू रूट्स आ गए। टू क्या आएंगे? टू रूट्स कितना आया? टू रूट्स आ गए आपके, कितने आ गए? एक तो -2 आया, एक कितना आया? 5। ये आपका आंसर आ गया। पहले फैक्टर करेंगे, दो ब्रैकेट आएंगे, इसको जीरो करेंगे, इधर आके पॉजिटिव बन गया, ये प्लस इधर आके माइनस बन गया, दो आंसर आपके आ गए। समझ आ गई ना? कि इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फैक्टर इसको फाइंड टू रूट्स आ गए। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन कौन सा था ये? फर्स्ट। अब कराते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड तो हो जाएगा सेम ऐसे ही। ठीक है, क्लियर? समझ आ गई ना? कि क्वेश्चन नंबर कौन सा कराएंगे? थर्ड। √3x² + 7x + 5√2 = 0। क्लियर? इसके फैक्टराइज करेंगे, क्या करेंगे? फैक्टराइज मेथड। क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन। तो देखिए पहले इसका इंटू कीजिए, कितना आएगा बताइए? इंटू करिए कितना आएगा? ये आएगा 5√2 × √3, ये आएगा 5√6। कितना आएगा? 5√6। ठीक है, सॉरी ये 2 है आपका, 2 कितना है? 2/2 कितना आएगा? 5 × 2 = 10 आया। अब इनको प्लस करने कितना आ जाए? 7। तो देखो 5 + 2 कितना होता है? 7 आया नहीं आया? कैसे फैक्टर करेंगे? तो इसका कितना आ जाएगा? 2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। क्लियर? अब देखो ये क्या है, इसमें कौन तार नहीं है कोई, ये कितना है? √2, ये कितना है? 2,
इसको दो रिपीट, टू रिपीट कीजिए, रूट टू इंटू रूट टू, रूट टू इंटू रूट टू एक्स, और फाइव रूट टू इजिकल टू जीरो, रूट टू एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स। समझ आ गई ना होगी, ये आ गया, इधर हो गया भाई रूट टू एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स, ये आगे ना आगे। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है बताइए, क्या कौन आ रहा है, ओनली एक्स आ रहा है, क्या आ रहा है, इसका इसमें डिवाइड करोगे रूट टू एक्स प्लस फाइव, इसमें कॉमन क्या आ रहा बताइए, रूट टू आ रहा नहीं आ रहा है, तो ये कितना आया रूट टू एक्स प्लस फाइव, क्योंकि रूट टू ये आ गया, रूट टू आ गया तो ये बचे नहीं बचे दोनों, सेम आ नहीं आया, इसी का रखेंगे जीरो, एक में आ जाएगा एक्स प्लस रूट टू और रूट टू एक्स प्लस फाइव इजिकल कितना आएगा जीरो, ऐसे अब एक्स प्लस रूट टू इजिकल टू जीरो कितना आएगा माइनस रूट टू, ये आ गया। इसमें कैसे करेंगे बताइए, रूट टू एक्स प्लस फाइव इजिकल टू जीरो और रूट टू एक्स इजिकल टू माइनस फाइव, ऐसे आ गया, क्लियर हो गया ना, हो गया। देखो दोबारा लीजिए, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए, टेन आया, टेन का इससे फैक्टर प्लस का नंबर सेवन आ जाए, फाइव एक्स प्लस टू एक्स, इसमें कॉमन आ रहा है एक्स, एक्स का डिवाइड तो ये आ गया, इसका डिवाइड तो फाइव आ गया, इसमें रूट टू कॉमन आ रहा है, देखो ये कैसे नहीं आ रहा, देखो ये आ रहा नहीं आ रहा, रूट टू आ गया, टू रूट फाइव एक्स और फाइव आ गया, सेम आया नहीं आया, एक में ये और ये आ जाएगा, एक में ये और ये आ जाएगा, इजिकल टू क्या जीरो, इधर का नेगेटिव हो जाएगा, ये किसका इधर आके नेगेटिव हो जाएगा अपॉन रूट टू, तो आपके टू रूट्स आ गए, कितना आया माइनस टू और माइनस फाइव अपॉन रूट टू, ये आंसर आपके आ गया, इधर हो गया, ये आंसर आया, ठीक है। फैक्टराइज मेथड, एक्स की दो वैल्यू आएगी, पावर कितना है टू, तो दो वैल्यू आएगी, क्लियर हो गया। एक एक चीज समझो ढंग से, ज्यादा जल्दबाजी नहीं है, आराम से तसल्ली से इसका इंटू कीजिए, ये आ गया, क्लियर। फाइव प्लस टू सेवन होता है, तो सेवन चाहिए मुझे, और ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव आएगा, ठीक। इसको दो बार रिपीट कर लेंगे, क्योंकि रूट टू इंटू रूट टू टू होता है, क्योंकि ताकि इजीली कॉमन आ सके, रूट टू कॉमन आ गया ना, इसलिए इसलिए करते हैं इस क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखो बेसिक क्लियर तो होना चाहिए इस चैप्टर के लिए, क्लियर एकदम। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यह आपका आ जाएगा थोड़ा अलग रखो इसको, माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एट इजिकल टू जीरो, क्लियर। या तो इसको ऐसे देखो, ऐसे ले लो, या ऊपर एट एल सेम ले सकते हैं, एट एस एम कह ले लेंगे, एट अप वन अपॉन एट एस एम, इसका कितना है सिक्सटीन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एट एक्स हो जाएगा प्लस वन, कहीं समझ समझ ना, ऐसे कर लो, या दूसरा मेथड भी है मेरे पास, ठीक। एट कौन ले लिया, ठीक है, इसका सेवन डिवाइड कितना आया एट, एट टू जा सिक्सटीन एक्स स्क्वायर, इसका डिवाइड एट, एट एक्स आया और प्लस एट एट सेवन, तो वन आई जीरो क्या आएगा जीरो, ये इधर कितना आएगा जीरो हो जाएगा, सिक्सटीन एक्स स्क्वायर एट एक्स प्लस वन इजिकल टू एट इंटू जीरो, जीरो हो गया। और इसके ऐसे फैक्ट करो कि ये कितना आ जाए, कई मेथड इसके सॉल्व करने के, फैक्टराइज मेथड है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, कैसे देखिए, सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस फोर इंटू फोर, भाई फोर फोर जा कितना होता है, फोर फोर जाता है सिक्सटीन, और फोर प्लस फोर कितना होता है एट, कितना होता है बच्चों एट, तो ऐसे कर दिया माइनस फोर एक्स माइनस फोर एक्स प्लस वन इजिकल टू जीरो, इसमें कौन क्या आ रहा है, फोर एक्स कौन नहीं आया, इसका इसमें डिवाइड तो फोर एक्स आ गया कौन, माइनस कितना आया वन, इसमें कितना कॉमन आ रहा होता है, ये कोई कॉमन है तो माइनस वन कॉमन लेंगे हम, इसका डिवाइड करोगे तो फोर एक्स माइनस वन इजिकल टू जीरो, फोर एक्स माइनस वन ऐसे ले लो, और फोर एक्स माइनस
ऐसे दे दो, इधर होगी ना होगी, ठीक है भाई। फोर कौन लीजिए, फोर फोर का 4x, इसका डिवाइड करा 1, इसमें कौन क्या आ रहा है 1, क्या ना ये ऐसे, तो कितना आया, तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और 4x इज इक्वल टू कितना आएगा 1, x कितना आएगा 1.4, समझ आ गई ना कि ऐसे आ गया। ऐसे से दीजिए 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू कितना आएगा सेम 1.4, तो टू रूट्स आ गए, कितना आ गए टू रूट्स, कितना है 1.4, और 1.4 आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया ना, हो गया ये आंसर है इसका, दो दो आंसर आएंगे क्योंकि दो पावर है, समझ आ गई ना कि। अपॉन होता है एलसीएम 8 ले लो, इसका डिवाइड 8 8 2 16, इसका डिवाइड 8 8 8 2 1, ऐसे करेंगे फैक्टर करके आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, हद वही बेसिक चीजें सारी, जितनी क्वेश्चन सारे बेसिक चीजें इसमें। क्वेश्चन नंबर टू के लिए भाई एग्जाम्पल 1 पे जाना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, ठीक है। देखिए आइए एग्जाम्पल कौन सा पढ़ते हैं, 1। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए एग्जाम्पल 1 पढ़ना पड़ेगा, उसको ड्राइव करना, क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें लिखा है जॉन एंड जीवंती टुगेदर इतना मार्बल, बोथ ऑफ देम 5 मार्बल लॉस्ट, ठीक, तो इनका प्रोडक्ट इतना होता, तो लेट सबसे पहले क्या करेंगे हम, लेट नंबर ऑफ मार्बल, ठीक है, जॉन 5 मार्बल क्या होगा लॉस्ट, इज प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मार्बल दे नाउ हैव इतना, फाइंड द आउट हाउ मैनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद, कितने थे, तो लेट नंबर ऑफ मार्बल, नंबर ऑफ क्या लिखने, ठीक है मार्बल्स, मार्बल लेट नंबर ऑफ मार्बल, ठीक है हैव भाई, किसके द्वारा नंबर ऑफ, किसके मार्बल, किसके द्वारा कुछ है, जॉन के पास कितने हैं ये बताना है, नंबर मार्बल जॉन हैड, क्या है जॉन हैड थे, कितने थे एक्स, और नंबर ऑफ मार्बल किसके पास, नाम है क्या है नाम बताइए, इसमें नाम है आपका जयवंती, कितने 45 माइनस एक्स भाई, दोनों का टोटल कितना 45 भाई, एक्स होती हो गया। अब इसमें लिखा 4 मार्बल क्या ईच लॉस्ट, 5 मार्बल क्या हुआ लॉस्ट ईच, इसमें कितना है 5 माइनस हो गया, x माइनस 5 हो गया, नहीं हो गया, एक तो ये हो गया x माइनस 5, यहां से कर लो x माइनस 5, इसमें आ गया 45 माइनस x माइनस 5, इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आएगा, इनका प्रोडक्ट है 124 भाई, जॉन के पास कितने मार्बल है x, टोटल मार्बल 45 है, तो जीवंती के पास हो गए 45 माइनस x, और दोनों का अच्छा 5 इसमें से लेस कर दो, 5 इसमें से लेस कर दो, फिर दोनों का प्रोडक्ट होगा 125, अब सॉल्व कर लो x माइनस 5 कितना है बताइए, 40 माइनस x तो 124x, इसे इंटू कीजिए कितना है 40x, इसके से कीजिए माइनस एक्स स्क्वायर, इससे कीजिए 2 200, और प्लस के 5x इज इक्वल टू 124, इसका इससे करा, इसका इससे इंटू कर दो ये आ गया, ठीक है ठीक है, और का इससे करा 200, इसका इससे करा प्लस के 5x, अब कितना है देखिए माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गए
प्लस 45 एक्स माइनस 200 माइनस 124 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स माइनस 324 कितना आएगा, जीरो। माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स 324 इक्वल टू कितना आएगा, जीरो। किधर हो गया ना, हो गया क्लियर। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, इसके फैक्टर ऐसे कीजिए, इसके फैक्टर कीजिए कि प्लस करने पर 45 आ जाए, ठीक है। ठीक है, तो फैक्टर करने का तरीका होता रखा है, तो 324 को आप सॉल्व कीजिए, 3108 3 3 6 3 12 3 4 4, ऐसे कर लो आपको आंसर आ जाएगा। आपका प्लस करोगे कितना है 45, आप देखो 3 9 9 2 27 और 12 कितना आया, आई नहीं रहा, क्लियर है। 9 9 कितना 9 36 और 3 3 9 आ गया ना 45, तो ऐसे फैक्टर होंगे इसके, 4 3 12 12 3 36 प्लस 9 45 आई नहीं आया 45, तो ऐसे फैक्टर हो जाएंगे। इसे देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 36 आएंगे, माइनस के 9x आएंगे और माइनस के 324 इक्वल टू जीरो। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स, एक्स माइनस 36, इसमें 9 कॉमन ले लो, एक्स माइनस 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 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस, सॉरी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये 9 कितना 3 36 इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस 9 और x माइनस 36 इजिकल टू जीरो, एक्स माइनस 9 इजिकल टू कितना आया, जीरो। एक्स माइनस 36 कितना आया, जीरो। एक्स इजिकल कितना आया, 36। आपका आंसर आ गया, ये कितना आ गया, एक्स वाला इजिकल टू 9, ये आंसर आ गया आपका, एक ही आ गया, ठीक है। ये समझ आ गई ना, ये कह रहे थे हम क्वेश्चन, तो नंबर, तो जोहन जॉन हैड नंबर ऑफ मार्बल, नंबर ऑफ कितना आएंगे 9, तो ठीक है बेटा, जॉन्स हैड नंबर ऑफ द मार्बल कितना आएंगे 9 और जीवंती कितना है, जीवंती, दूसरा नाम क्या है, नंबर ऑफ जीवंती क्या है, जीवंती, जीवंती हैड नंबर ऑफ मार्बल कितना आएंगे 45 माइनस 9 इज 39 आएंगे, 36 सॉरी, आंसर आ गया ना, यही आंसर आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे थर्ड, समझ आ गई ना भाई, तो ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 4.2, देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखिए अच्छी तरह, इसमें लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ द होल्स सम 27 एंड प्रोडक्ट कितना है, टू नंबर का जो सम है वो का 27 है और उनका प्रोडक्ट कितना है 365। अब अगर सम दे रखा है, जैसे सम समझ जाते हो, जैसे सम दे रखा है 5 + 3 8 हो गया, अगर एक को x मान हो तो दूसरे को x माइनस s मानना है, ठीक है। तो लेट टू नंबर कितने आएंगे, एक x आएगा, एक कितना आएगा 27 - x, ठीक है, टू नंबर आ गया आपके, क्लियर हो गया। इनका प्रोडक्ट कितना है भाई, जिनका सम 27, एक को लेट एक्स कर लो, दूसरे को 20 - 7, इनका प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई करना, 182, इसका इंटू करो 27x और x square, इसका इससे करो x square,
माइनस का 120 इजिकल टू जीरो। ठीक, अब माइनस साइन ये पॉजिटिव होना चाहिए, पहले हमेशा क्वांटिटी क्वेश्चन हमेशा ही पॉजिटिव होना जरूरी है। तो एक्स स्क्वेयर और माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, समझ आएगी ना कि इजिकल टू जीरो। नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव बना दो, साइन बदल दिए क्योंकि इसका ये पॉजिटिव होना कंपलसरी है। क्वांटिटी क्वेश्चन 182 के ऐसे फैक्टर करो, प्लस करने पर 27 आ जाए, 128 के फैक्टर करो 2 का कितना आएगा 9, 17 का 1, 3 और 13, तो इसके फैक्टर हो गए 14 और 30 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाए ना, देखिए कितना आएगा 27। क्लियर हो गई, तो इसके फैक्टर हो गए आपके एक्स स्क्वेयर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 122 इजिकल टू जीरो। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 14, 13 कॉमन आ गया, इसे डिवाइड करना, x माइनस 14 इजिकल टू कितना आएगा जीरो। क्लियर हो गया भाई, इसमें से x कॉमन ले लिया x माइनस 14, इसमें 13 कॉमन ले लिया आ गया, तो x माइनस 14 अगर नेक्स्ट आ जाएगा x माइनस 13 इजिकल टू क्या आएगा जीरो। कितना आएगा, किसका साइन है 14 हो जाएगा और एक आएगा 13, तो टू नंबर आ गए, तो टू नंबर कितने टू नंबर आपके आ गए 13 और 14। क्लियर हो गए, और इनको प्लस करो तो 27 आएंगे। क्लियर हो गए ना, हो गया मतलब अगर दो का सम 27 है, एक को एक्स लेट कर लो और 20 माइनस एक्स इसको कर लो, क्लियर हो गई ना होगी, तीन का मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, इसे फैक्टर कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी ना होगी, क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे 4। ठीक, क्लियर होगी ना होगा एक एक चीज, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, देखिए टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ होज स्क्वायर दिस, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर ले लो, लेट टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स आप एक्स ले लो, अगला क्या आएगा एक्स प्लस वन, क्यों फाइव के बाद सिक्स आएगी, एक ग्रेट ही तो इससे, अगला सेवन तो इससे एक ज्यादा है, तो ऐसे एक्स एक्स प्लस वन ले लो। ठीक है, उनका क्या दे रखा है सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का सम और इसका स्क्वायर का सम कितना दे रखा है 355। आप कॉमन ले लो इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स 365 इजिकल टू क्या आएगा जीरो, इसका स्क्वायर वन का स्क्वायर और इसका स्क्वायर 2x आ गया। ठीक है, कितना आ गए 2x स्क्वायर प्लस 2x आगे ना होगी, भाई कितना हो गए 364 इजिकल टू जीरो, इसका से x 2x स्क्वायर हो गया, 2x 365 में से 1 गया तो माइनस के थ्रू ही आ गया। अब 2 का डिवाइड कर दो, हल्का हो जाएगा, 2 का डिवाइड करो, 2 का डिवाइड इसमें, 2 का डिवाइड इसमें और 2 का डिवाइड इसमें, तो 2 ऐसे ले सकते हो कॉमन जो, तो 2 का डायरेक्ट कर सकते हो चाहे कैसे, x स्क्वायर प्लस x इसका करो 182 इजिकल टू जीरो। इससे फैक्टर होंगे अभी विद करे थे फैक्टर 14 इंटू 13। ठीक, अब 14 माइनस 13 1 तो आया, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 14x आएगा माइनस 13x और माइनस 120 ऐसे आएगा। क्लियर हो गया ना, हो गया ऐसे भाई x है तो 14 माइनस x 13x तो माइनस x सोचा ना पॉजिटिव, और इसमें कौन क्या आ रहा बताइए x x प्लस 14 इसमें 13 कौन आ गया, कितना आएगा 13, इसका डिवाइड करो तो x प्लस 14 इजिकल टू कितना आएगा जीरो, ये आगे ना आ गया x प्लस 14 x माइनस 13 इजिकल टू कितना आएगा जीरो, ये किसका साइन है, इधर कितना हुआ पॉजिटिव हो गया, इधर कितना हो जाएगा नेगेटिव हो गया, तो आंसर ये आएगा ना कि ये
तो टू नंबर आ गए, तो टू टू जल क्या, टू नंबर आपके आ गए, एक तो 13 हो गया, एक 14 भाई, 13 जा रहे तो 13 एक 13 प्लस 1 14, तो आपका आंसर ये आ गया। ये क्वेश्चन है टू कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है 1 2 3 4, तो एक्स वो एक लेट एक्स प्लस 1 नेक्स्ट, इनका स्क्वायर का सम दे रखा 365, आप इसको सॉल्व कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आगे ना चेक कर लो आंसर, इनका स्क्वायर करो, इनका स्क्वायर करो, इनका स्क्वायर करो, ये आ गया देखो करके देखो, इसका स्क्वायर क्या होगा 169, इसका स्क्वायर क्या होगा 196, ऐड करो कितना आएगा 563, आगे ना आगे देखो क्लियर, तुम्हारा आंसर एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इधर हो गया ना, हो गया आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। द एटीट्यूड ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल 7 लेस देन द बेस, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस को एक्स कर लो, ये क्या है लेस देन कितना है, लेस देन 7 देन बेस, तो लेट बेस कितना एक्स लेट कर लो, एल्टीट्यूड कितना, एल्टीट्यूड बताइए एक्स माइनस 7 ठीक है, और हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस है आपकी 13, तो ए बी सी, तो ए बी का पाइथागोरस लगा दो, ए स्क्वायर बी सी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर क्लियर, ए बी कितना एक्स स्क्वायर, ये कितना एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये कितना है आपका 13 का स्क्वायर, क्लियर हो गया ना, हो गया ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इजिकल टू 169 किधर होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 72 जा 14x किधर हो गई, ये आ गया, ये कितना हो गए 2x स्क्वायर माइनस कितना है 14x ठीक, 49 माइनस 169 को उधर ले आइए, नेगेटिव हो जाएगा, अब इसमें से माइनस करते कितना आएगा 120 आएगा, कितना आएगा 120 भाई 49 है ये, कितना आएगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x क्लियर, इजिकल टू किस आवाज है 0, अब 2 का डिवाइड कर दो, 2 का डिवाइड इसमें, 2 का डिवाइड इसमें, 2 का डिवाइड इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इजिकल टू 0, पाइथागोरस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर इजिकल टू होता है इसका स्क्वायर, हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटे ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, ये लगा दी मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डबल कर दो आंसर आ जाएगा 49 ये आ गया ठीक है, ये आ गया, 2 का डिवाइड कर दिया, मैंने क्या करते 2 का डिवाइड, 2 का डिवाइड कर दिया, अब 60 का ऐसे फैक्टर करो कि 7 आ जाए 60 के ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये तो 12 में से 5 गया तो आ गया ना 7 चाहिए माइनस है ना, इसलिए एक प्लस है एक माइनस आएगा, तो कितना कॉमन आ रहा है बताइए, फैक्टर जहाँ कर देता हूँ इसको, समझाएंगे ना, फैक्टर जहाँ कर देते हैं, देखिए चल जहाँ कर लो कोई दिक्कत ना, कर देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इजिकल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इजिकल टू 0, इसमें कॉमन क्या आ रहा है एक्स, एक्स माइनस 12 प्लस 5 कॉमन ले लो, एक्स माइनस 12 इजिकल टू कितना आएगा 0, एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 12 इजिकल टू कितना आएगा 0, फैक्टर हो गए ना, हो गए तो एक्स माइनस 12 इजिकल टू, एक बार तो ब्रैकेट में से कर दो, एक बार ब्रैकेट में से कर दो, एक्स इजिकल टू कितना आएगा माइनस 5, वही कितना आएगा एक्स इजिकल टू 12, तो बेस आपका आ गया, बेस कितना होगा बताइए 12, एल्टीट्यूड कितना होगा, एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड यहाँ रख दो, एक्स माइनस 7 तो 12 माइनस 7 कितना आया 5 ठीक है, तो आपका 12 और 5 आंसर आ गया। फिर देख लीजिए एल्टीट्यूड लेस देन था बेस, 7 लेस देन है, इनका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर आपको लगा तो आपका आंसर आ जाएगा ठीक है, क्लियर हो गए ना, हो गए
समझ आ गई। टू साइड ऑफ ट्रायंगल, टू साइड आ गई ना, दो, टू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ये आ गया आपका, दो साइड आ गई, टू साइड। क्वेश्चन नंबर कौन सा, सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, इसमें लिखा है ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोडक्ट ऑफ द सर्टेन नंबर ऑफ द पॉटरी आर्टिकल इन ए डे, ठीक, इफ द ऑब्जर्व पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ईच आर्टिकल इज 3 मोर देन द नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोडक्ट ऑन द डे। तो लेट नंबर ऑफ, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोडक्ट पर डे, प्रोडक्ट में पैदा होना कितना बने, प्रोडक्ट पर डे कितने बनेंगे आपको पता है, एक्स बनेंगे। और ईच कॉस्ट कितनी है, ईच कॉस्ट कितनी है इसकी, इसमें लिखा 3 मोर देन, ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस द नंबर का, थ्री का थ्री मोर देन, ये कॉस्ट है। जैसे एक एक पेन 3 रुपए का आता है और मेरे पास 5 पेन खरीदे मैंने तो 15 के तो आएंगे, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और टोटल कॉस्ट आएगी 990 आ जाएगा। तो ठीक है, तो देखो 2x + 3 × मल्टीप्लाई कितना आएगा, एक्स कितना आया, 190 डिग्री, क्लियर हो गई। 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर, ठीक है ओके। तो इसके इंटू कीजिए 2x² + 3x - 90 डिग्री कितना आएगा, 0। इसका स्क्वायर कीजिए, इसका इससे स्क्वायर की इंटू कर दिया आपका ये आ गया, ठीक है क्लियर हो गया। आप इसका इससे इंटू कीजिए कितना है, 180 कितना आएगा, 180। इसे फैक्टर कर देता हूँ, फैक्टराइज, 180 कैसे फैक्टर हो जाएंगे, माइनस में 3 आ जाए, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3, तो इसको फैक्टर कर लीजिए, 3 का करो कितना आएगा, 0, 3 का करो 10, 2 का 5, 5, अब ये कितना 2 और लिख दो यहाँ पे, 3 2 10 30, 29 11, 2 3 3 18 और 10, 6 6 2 12 × 15 आगे ना, आगे देखो 15 × 12, 15 × 12, अब 15 में से 12 का आएगा ना 3, तो 15 किसका आएगा, प्लस का आएगा, किसका आएगा, प्लस का, और माइनस का कितना है, 12x माइनस 90 = 0। इसमें कौन क्या आ रहा है बताइए, क्या आ रहा है, कौन एक्स आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 2x + 15 इसमें कौन क्या आ रहा है बताइए, 6x - 2x - कितना आएगा, 15 = 0, माइनस माइनस हो जाएगा क्या, होते माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, x - 6 और 2x + 5 = 0। अब क्या आ जाएगा, x - 6 = कितना आएगा, 0, x कितना आएगा, 6, ठीक, कितना आएगा, 2x + 5 = क्या आएगा, 0, x कितना आएगा, -5.2, तो आपका आंसर ये आ गया, क्योंकि ये अपॉन में आ रहा, नेगेटिव का भी आर्टिकल होते नहीं है, आर्टिकल मतलब कितने बर्तन बनेंगे एक दिन में, एक्स बनेंगे, उनकी ईच की कॉस्ट इतनी है, तो इसका इंटू करने पर आपका 90 कॉस्ट आ गया। तो ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल पर डे कितने बनेंगे, 6 आर्टिकल बनेंगे, कितने बनेंगे, 6 आर्टिकल बनेंगे, इसमें पूछा आर्टिकल एंड कॉस्ट ऑफ द ईच, और कॉस्ट कॉस्ट ईच कितना आएगी, इसमें रख दीजिए 2x + 3 में, तो 2 पे यहाँ 6 कर दो, प्लस 3 कितना आएगा, 15 आंसर आ गया। तो आर्टिकल 6 एक दिन में बनेंगे, उनकी कॉस्ट आएगी 15 रुपये, ठीक है। ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज खत्म हो गई 4.2। नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज कराऊंगा, आने वाली वीडियो आपको जरूर मिल जाए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, व्यू, ठीक है, आने वाली वीडियो, ठीक है, तो आप समझ गए कि कितना इजी मेथड है सारे, और सारा पूरी तरह ध्यान देना, हर चीज बेस में,
हर चीज बेस क्लियर कर देगी, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फैक्टराइज, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए, ठीक। और लाइक एंड शेयर जरूर करें, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत। अभी हाँ जी, हाँ जाओ।